अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित अर्जुनलाल सेठी कॉलोनी के निवासी असामाजिक तत्वों से परेशान है। बीती रात असामाजिक तत्वों ने रोड पर खड़े दो टेम्पो के शीशे तोड़ दिए और क्षेत्रवासियों से बदसलूकी की। इस मामले को लेकर पीड़ित क्षेत्रवासियों ने आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और आरोपियों व बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित क्षेत्रवासियों का कहना है कि आए दिन कुछ लोग शराब पीकर क्षेत्र में उत्पात मचाते हैं और लड़कियों को छेड़ने तक की घटनाएं की जाती हैं, लेकिन कुछ कहने पर वह और परेशान करते हैं। बीती रात उत्पात युवकों ने क्षेत्र में खड़े दो टेम्पो के शीशे तोड़ दिए और वहां से फरार हो गए। इस मामले की शिकायत आदर्श नगर थाना क्षेत्र में की गई है और उन्होंने मांग की है कि संबंधित उत्पादित बदमाशों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करे, जिससे कि क्षेत्र में रहने वाले लोग आसानी से रह सके। मैं साहब आदर्श नगर थाना से रहता हूं, अर्जुनलाल सेठी नगर में। मैं अपने मजदूरी करके बाल बच्चे पालता हूं। मैं रात को चवन्ने आते हैं, आज दो महीने से परेशान कर रखा है। लड़कियों को, औरतों को तच कसना, गालियां देना, अंडसंड बोलना, औरतों के बम डाल के जला के फेंक देना औरतों के ऊपर, बहुत परेशान हो चुके हैं। आज इन्होंने गाड़ियों के कांच तोड़ दिए, दो गाड़ियों के मकानों के ऊपर सोते हुए कागज भाटे फेंके हैं, अंडसंड गाली कुत्ता जो कहते हैं, जो कोई थाना वाना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। है कौन लोग? अब वो यही कॉलोनी के तीन चार लड़के हैं, एक दो बाहर के हैं। वो बाहर वाले को औरों को लड़कियों को लेके आते हैं। कल भी 15 मोटरसाइकिलें निकली है, अंडसंड गाली कुत्ता करती हुई निकली है। हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। आज थाने में ये रिपोर्ट देने जा रहा हूँ।